גודל המשימה. הם נכונים לפעול בכל רגע כדי למגר את מפלצות הדמים שקמו עלינו לחלוטנו. החמאס חשב שאנחנו נתפרק, אנחנו נפרק את החמאס. वहीं दूसरी तरफ हम चौंतीसवें दिन में हमास और इसराइल के बीच जंग जारी। इसराइल की सेना ने गाजा पर रात भर हवाई हमले किए। हिजबुल्ला ने इसराइल पर तेज हमले किए। ड्रोन हमले में 6 इसराइली सैनिकों के घायल होने का दावा। हिजबुल्ला के हमले पर इसराइल का जबरदस्त पलटवार। इसराइल के एयरफोर्स ने घुसपैठ कर रहे हिजबुल्ला के 3 फाइटर प्लेन को मार गिराया। गाजा में मिले हमास के हथियारों के जखीरे तक पहुंचा न्यूज 18। 7 अक्टूबर को जंग के लिए हमास के आतंकियों ने की थी पूरी तैयारी। इसराइल की सेना ने हमास के ठिकानों से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। आरपीजी, ग्रेनेड, एंटी क्राफ्ट लॉन्चर, एंटी टैंक मिसाइल और एंटी टैंक माइंस हुए बरामद। आईडीएफ ने लेबनान की सीमा से 40 किलोमीटर अंदर ड्रोन हमला किया है। युद्ध शुरू होने के बाद इसराइल का लेबनान पर यह सबसे बड़ा हमला। गाजा में इसराइल को मिली बड़ी सफलता है। स्कूल के पास बनी हमास की टनल को किया गया तबाह। इसराइल की सेना ने उत्तरी गाजा में हमास के करीब 150 लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया। हथियार बनाने की जगह लॉन्चिंग पैड और एक सुरंग को ध्वस्त किया। इसराइल ने गाजा में शिफा अस्पताल को चारों तरफ से घेरा। अस्पताल में आतंकी ठिकाने का पता चलने के बाद इसराइल की यह बड़ी कार्रवाई। शिफा अस्पताल के पास तैनात किए गए टैंक। हमास से जारी जंग के बीच गाजा सीमा पर पहुंचे इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, सैनिकों का बढ़ाया हौसला। जंग के बीच एक मीडिया रिपोर्ट में बड़ा दावा, हवाई हमले में मारी गई हमास चीफ इस्माइल हानिया की पोती रुआ हानिया। हमास के कई ठिकानों पर इसराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। कई हमास की चौकियों को तबाह किया है। इसराइल की सेना ने हमास की कई चौकियों पर कब्जा करने का दावा किया। इसके पहले हमास के सैन्य मुख्यालयों को इसराइल कर चुका है तबाह। लेबनान से आए 3 फाइटर जेट ने इसराइल के इलाके में की घुसपैठ। इसराइली एयरफोर्स ने 2 प्लेन को उत्तरी इलाके में मार गिराया। आज फिर होगा आतंकवादी संगठन हिजबुल्ला चीफ का संबोधन। भारतीय समय के अनुसार हसन नसरुल्ला आज शाम 6:30 बजे करेगा संबोधन। हसन नसरुल्ला की स्पीच के पहले हिजबुल्ला ने वीडियो जारी किया है। वीडियो में नसरुल्ला का भाषण और इसराइल पर हमले की तस्वीर दिखाई गई। गाजा पट्टी में इसराइल की एयरफोर्स ने की बमबारी। रात के अंधेरे में चारों तरफ से दिखाई दी आग के लपटे। WHO ने जारी किया गाजा के अल-शिफा अस्पताल का वीडियो। हमलों के बीच अस्पताल से भागते दिखाई दिए लोग। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा सीमा से लगने वाले शहरों के नेताओं से मुलाकात की है। कहा, हमास को खत्म करना ही हमारा लक्ष्य। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अमेरिका पर लगाए युद्ध विराम को रोकने का आरोप। इसके साथ ही यूएस पर युद्ध के लिए ईंधन देने का दावा भी किया। जंग के बीच WHO चीफ का बड़ा दावा, गाजा में हर 10 मिनट में औसतन एक बच्चे की हो रही है मौत। गाजा में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत है खराब। इजरायली सेना की गोलीबारी के बाद गाजा के अल-कुद्स अस्पताल में टॉर्च की रोशनी में लोगों का इलाज हो रहा है। हमास और इजरायल की जंग के बीच WHO ने जताई चिंता का गाजा में ईंधन खत्म होने से घुटनों पर आ गई है स्वास्थ्य व्यवस्था। गाजा पट्टी से सटे वीडियो सर्विलांस बेस भी पहुंचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। का हमास को खत्म करना हमारा लक्ष्य। फ्रांस के राष्ट्रपति ने इसराइल से की गाजा पर हमले रोकने की अपील। का लगातार बमबारी में जा रही है बेगुनाहों की जान। फ्रांस के राष्ट्रपति को नेतन्याहू का जवाब। का लोगों की मौत की जिम्मेदारी हमास की है, इसराइल की नहीं। लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। इसराइल की सेना ने जारी किया हमले का वीडियो। इसराइल ने दक्षिणी लेबनान के अल बैदा इलाके में रिहायशी इमारत पर किया हवाई हमला। हमले में इमारत को भारी नुकसान। इसराइल से जंग के बीच हमास का अमेरिका पर बड़ा आरोप। फिलिस्तीनियों की मौत के लिए अमेरिका को बताया जिम्मेदार। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अश्कलोन अस्पताल में घायल सैनिकों से मुलाकात की। हमास के खात्मे का दिलाया भरोसा। इसराइल की सेना ने जारी किया गाजा में हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन का वीडियो। हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद करती दिखाई दी इसराइल की सेना। जंग के बीच इसराइल की सेना का बड़ा दावा, उत्तरी गाजा खाली करने की चेतावनी के बाद करीब 1 लाख लोग दक्षिणी गाजा पहुंचे। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में इजरायली समर्थकों और फिलिस्तीन के समर्थकों में मारपीट। बीच सड़क पर भिड़े इजरायल और फिलिस्तीन के समर्थक। यमन में लोगों ने इजरायल के खिलाफ निकाला मार्च। सड़क पर उतरे फिलिस्तीन समर्थकों ने गाजा पट्टी में इजरायल की सेना के एक्शन पर जताया ऐतराज। इजरायल ने हमास पर लगाया लोगों को ढाल बनाने का आरोप। का अल-शिफा अस्पताल से लोगों को नहीं निकलने दे रहे हमास के लड़ाके।
हमास की जंग के बीच इसराइल की सेना ने लिया जासूसी ड्रोन का सहारा। हमास के सुरंगों का पता लगाने में जुटी है इसराइल की सेना। इसराइल के खिलाफ हुती विद्रोहियों ने खोला नया मोर्चा। हुती के लड़ाकों ने इसराइल पर दागी मिसाइलें। उत्तरी गाजा में इसराइल की सेना ने हमास की सुरंगों पर बोला धावा। पूरी तरह से हमास का खात्मा करने के मकसद से आगे बढ़ रही है इसराइल की सेना। इसराइल और हमास के बीच बंधकों की रिहाई को लेकर के हुई डील। सऊदी अरब के एक न्यूज चैनल ने किया बड़ा दावा, इसराइल कर सकता है हमास से डील। गाजा में इसराइल के हमलों के खिलाफ एकजुट हो रहे मुस्लिम देश। सऊदी अरब ने बुलाया 57 मुस्लिम देशों का शिखर सम्मेलन। इसराइल और अमेरिका के खिलाफ घेराबंदी की तैयारी में मुस्लिम देश। जंग के बीच फिर से दो धड़ों में बढ़ती दिखाई दे रही है दुनिया। जंग के बीच गाजा के अल-शिफा अस्पताल के बाहर बिगड़े हैं हालात। अस्पताल के बाहर से गोलीबारी और झड़प की तस्वीरें आ रही हैं सामने। हमास के खिलाफ इसराइल की सेना का बड़ा एक्शन। आतंकवादी संगठन हमास से जुड़े 14 आतंकवादियों को किया गया गिरफ्तार। इसराइली पुलिस ने यरूशलम के पुराने शहर और उसके आसपास के इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की। हमास के हमलों को देखते हुए लिया गया फैसला। इसराइल की सेना का दावा, उत्तरी गाजा में मारे गए हमास के 30 आतंकवादी। इसराइल की सेना ने जबालिया कैंप पर हमले का वीडियो जारी किया है। हमास का खात्मा करने के मकसद से आगे बढ़ रही है इसराइल की सेना। हमास और इसराइल में जारी जंग के बीच चीन की मीडिया का बड़ा दावा, अब तक जंग में हुई 12,400 से ज्यादा लोगों की मौत। हमास और इसराइल में जारी जंग में यूरोप के देश कोसोवो पहुंची इसराइल की फुटबॉल टीम। हमले की आशंका को देखते हुए सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। इस बार भी जवानों के साथ ही दिवाली मनाएंगे पीएम मोदी। सूत्रों के मुताबिक जम्मू के अखनूर सेक्टर जा सकते हैं प्रधानमंत्री। हर साल जवानों के साथ ही दीपावली मनाते हैं पीएम। आज अयोध्या के सरयू तट पर मनाया जाएगा दीपोत्सव। राम की पैड़ी को 21 लाख दीयों से जगमगाने की पूरी तैयारी। अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। 52 देशों के राजदूत भी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। लेजर शो के जरिए दिखाई जाएगी राम की कहानी। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को करीब 200 टन फूलों से सजाया गया। देश के अलग अलग राज्यों के अलावा विदेशों से मंगवाए गए फूल भी लगाए गए हैं। अयोध्या में रामायण के सातों अध्याय की झांकियां साकेत महाविद्यालय से नया घाट तक होंगी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अस्पताल में अपनी बीमार पत्नी से मिले। दिल्ली के राइज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मिलने की इजाजत दी थी। आप सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 24 नवंबर तक बढ़ी। इसके साथ ही राउस एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को पंजाब में प्रोडक्शन वारंट मामले में पेशी की इजाजत दी। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन। इंडो पैसिफिक क्षेत्र समेत कई मुद्दों पर हुई बातचीत। भारत और अमेरिका के बीच दिल्ली में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। दोनों देशों के रक्षा और विशेष विदेश मंत्रियों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत। आज से 15 नवंबर तक ब्रिटेन के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिवसीय यात्रा में कई अहम मुद्दों को लेकर करेंगे चर्चा। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज जारी किया घोषणा पत्र। भोपाल में जेपी नड्डा ने जारी किया पार्टी का संकल्प पत्र। मध्यप्रदेश के लिए जारी बीजेपी के घोषणा पत्र में 1,30,00,000 लाडली बहनों को घर देने का वादा। 12वीं तक गरीब परिवार को मुफ्त शिक्षा का ऐलान। राजस्थान कांग्रेस के नेता रामगोपाल बैरवा और कांग्रेस के पूर्व विधायक अशोक तंवर बीजेपी में हुए शामिल। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी ने दिलाई सदस्यता। भोपाल में आम आदमी पार्टी नेता अखंड प्रताप सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। जेपी नड्डा ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। पीएम मोदी और एक्सिस आयरा बानो के बीच हुई मुलाकात। पीएम मोदी ने ट्वीट कर मुलाकात को अद्भुत बताया। कई विषयों पर चर्चा होने की बात भी कही। पीएम मोदी की प्रेरणा से श्री अन्न पर बना गाना ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट। फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के लिखे गाने अम्बेडेंस इन मिलेट्स में मोटे अनाज के लिए किया गया है जागरूक। राजस्थान के दौसा में 5 साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी पुलिस सब इंस्पेक्टर को पहले किया जा चुका है बर्खास्त। दौसा में मासूम बच्ची से ऐवानियत को लेकर घिरी राजस्थान की सरकार। बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने घटना को बताया शर्मनाक। कहा राजस्थान में लगातार ऐसी घटनाओं के बावजूद चुप है सरकार। मासूम बच्ची से ऐवानियत को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा। राजस्थान के दौसा में लोगों ने किया थाने का घेराव। दौसा के उदयपुरा गांव में स्थानीय लोगों ने किया महिला एवं बाल विकास मंत्री और कांग्रेस की प्रत्याशी ममता भूपेश का विरोध। मंत्री का काफिले में शामिल गाड़ी के शीशे फोड़े। टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा की सदस्यता पर जल्द हो सकता है फैसला। सूत्रों के हवाले से खबर। लोकसभा की आचार समिति ने इस मामले में स्पीकर को अपनी रिपोर्ट सौंपी। दिल्ली में बारिश के बाद लोगों ने ली राहत की सांस। दिल्ली का AQI 206 पर पहुंचा। कश्मीर में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। कई जिलों में जमीन पर बिछी बर्फ की मोटी चादर।
जम्मू कश्मीर के रामबन में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जमीन खिसकी, जिसके बाद हाईवे को बंद कर दिया गया, मलबे को हटाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी हुई है, बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में लुढ़का पारा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी के बाद सड़क पर बर्फ की चादर बिछी, सड़क से बर्फ को इस वक्त हटाया जा रहा है। श्रीनगर में डल झील में भीषण आग लगने से 5 हाउस बोट जलकर राख, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। पटाखा जलाने पर बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा ऑर्डर, मुंबई और आसपास के इलाकों में दिवाली के दिन सिर्फ रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने के आदेश। तेलंगाना के सिकंदराबाद में पीएम मोदी की आज चुनावी रैली, तेलंगाना में पीएम मोदी एक हफ्ते में दूसरी बार चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे। मिशन मध्य प्रदेश पर गृहमंत्री अमित शाह, धार में अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, आज मध्य प्रदेश में अमित शाह की कई चुनावी रैलियां। छत्तीसगढ़ के सरगुजा पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को किया संबोधित, कहा हमारी सरकार बनी तो धर्मांतरण पर कानून लाएंगे। हैदराबाद में AIMIM चीफ ओवैसी ने चुनाव प्रचार में लिया हिस्सा, कारवा में AIMIM प्रत्याशी के समर्थन में डोर टू डोर चुनाव अभियान में भाग लिया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा, कहा मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिंधिया परिवार का राजा कांग्रेस को ऐसे धोखा देगा। एसडीएम ज्योति मौर्य केस में चर्चा में आए होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे पर बड़ी कार्रवाई, उत्तर प्रदेश के महोबा में तैनात होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को किया गया सस्पेंड। लैंड फॉर जॉब स्कैम में ईडी की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली में लालू यादव के घर से दफ्तर चलाने वाले करीबी अमित कात्याल को गिरफ्तार किया गया। बिहार के मुंगेर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पटना के ड्रूपसपुर इलाके में बिल्डर की गोली मारकर हत्या, हत्यारों की तलाश में जुटी है पुलिस। जयपुर के गणपति प्लाजा के निजी लॉकर्स पर आयकर विभाग की कार्रवाई, 2 निजी लॉकर को तोड़कर 1,38,00,000 रुपए की ब्लैक मनी जब्त। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले एक्टर धर्मेंद्र, सीएम योगी ने भेज किया स्मृति चिन्ह। केदारनाथ धाम में बर्फबारी का दौर जारी, हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बढ़ने से मौसम में आया बदलाव। बद्रीनाथ में चारों तरफ बिछी दिखाई दी बर्फ की चादर, बद्रीनाथ धाम में पारा लुढ़क कर 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, इसके बाद बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। महादेव ऐप मामले में नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 18 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। पाकिस्तान में भारत के 80 मछुआरों को रिहा किया, जो कि मछली पकड़ने के दौरान गलती से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर गए थे। पीएम मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला के बीच फोन पर बातचीत हुई, पश्चिम एशिया सहित G20 अध्यक्ष का समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 15 नवंबर को मुलाकात कर सकते हैं, सैन फ्रांसिस्को में एक शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की संभावना। तुर्की में विपक्ष के एक नेता को कैद करने के मामले पर मचा बवाल, राष्ट्रपति एर्दोगान ने देश को नए संविधान की जरूरत बताई। सूडान के हालात पर संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी का, आधी से अधिक आबादी को मानवीय सहायता और सुरक्षा की आवश्यकता, इसके साथ ही पश्चिमी क्षेत्र में जातीय हिंसा बढ़ने की आशंका भी जताई। लीबिया में भीषण बाढ़ से तबाही के 2 महीने बाद भी हालात खराब, यूएन ने लीबिया के पूर्वी इलाके में बीमारी फैलने से दूसरा विनाशकारी संकट पैदा होने की आशंका जताई। अमेरिका के टेक्सास में एक टेस्ला कार में लगी आग, कार की बैटरी में आग लगने से हुआ हादसा। गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे पर टैंकर ने कार और पिकअप को मारी जबरदस्त टक्कर, हादसे में कार में बैठे 3 लोग जिंदा जले, पिकअप ड्राइवर की भी मौत। ICC ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया, श्रीलंका की सरकार पर लगाए क्रिकेट बोर्ड में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप करने का आरोप। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कोलकाता में खरीदारी की, वर्ल्ड कप के बाद शादी कर सकते हैं बाबर आजम। जय श्री राम। राम की नगरी अयोध्या देव दीपोत्सव के लिए तैयार है, अयोध्या को कुछ इसी तरह से सजाया संवारा।